अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44। हवा में मौजूद प्रदूषण सभी के लिए घातक है। बात अगर गर्भवती महिलाओं की करें तो उनको और उनके भ्रूण को प्रदूषण का सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसके चलते समय से पहले बच्चे का जन्म, मिसकैरेज, जन्म के समय कम वजन जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इन सब पर काफी रिसर्च भी की गई है, लेकिन वैज्ञानिकों को पहली बार गर्भ में पल रहे बच्चे के फेफड़ों और दिमाग में प्रदूषण और उसमें मौजूद जहरीले पार्टिकल्स मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक ये पार्टिकल्स माँ से बच्चे में पहुंचे हैं। लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित नई रिसर्च के जरिए ये भी पता चला है कि प्रदूषण के कण प्लेसेंटा में भी पाए गए हैं। इस रिसर्च के अंतर्गत स्कॉटलैंड और बेल्जियम में 7 से 20 हफ्ते के 36 भ्रूण पर स्टडी की गई है। इस रिसर्च के द्वारा आई ये खोज एक चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक क्यूबिक मिलीमीटर टिश्यू में हजारों ब्लैक कार्बन के पार्टिकल्स मिले हैं, जो गर्भावस्था में मां के सांस लेने से खून और प्लेसेंटा से भ्रूण में पहुंच गए। प्रदूषण के ये पार्टिकल्स गाड़ियों, घरों और फैक्ट्री से निकले धुएं से बनते हैं। ये पार्टिकल्स शरीर में सूजन भी पैदा करते हैं। ऐसा पहली बार देखा गया है कि ब्लैक कार्बन नैनो पार्टिकल्स माँ के गर्भ के पहली और दूसरी तिमाही में प्लेसेंटा में जाकर विकसित हो रहे भ्रूण के अंगों में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार चिंता वाली बात ये भी है कि ये पार्टिकल्स विकसित हो रहे दिमाग में भी चले जाते हैं। आपको बता दें कि दुनिया की ज्यादातर आबादी उन जगहों पर रहती है जहाँ वायु प्रदूषण सभी मानकों को पार कर चुका है। ये शोध साफ साफ बता रहा है कि जहरीले कण गर्भ में अजन्मे बच्चे के दिमाग को प्रभावित करते हैं, जिससे आशंका है कि ये बच्चे की पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44।